बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम जी। सलीम बसरा आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाज़र है। तो आज मैं हूँ अपने घर में। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता था कुछ के मैं हमने रखे हुए हैं, साथ जानवर भी रखे हुए हैं, गाय भैंसें कुछ रखी हुई हैं। तो मैं हम उनकी मिल्किंग करते हैं, हम उनसे जैसे दूध लेते हैं, वो आपको तरीका दिखाना था कि हम वो मिल्किंग मशीन से हम कैसे उनका मिल्क हासिल करते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ताला आपको पूरा उसका गाय या भैंस को लगा के मिल्क वाली मशीन लगा के उसकी मिल्किंग करके आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं जी। तो ये हमारा घर है, ये जी हमारा घर है माशाल्लाह। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ हमने जानवर रखे हुए हैं और उनकी हम मिल्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जी ये हमारी मिल्किंग मशीन है, ये इसमें एक वैक्यूम मशीन लगी होती है। तो जो यानी कि हम जब मशीन उनको लगाएंगे तो वो दूध को वैक्यूम करती है और वैक्यूम करके इस कंटेनर में डालती है। ठीक है जी, तो अभी इंशाल्लाह लगा के आपको दिखाते हैं। ये जी हमने वो भैंस का जो छोटा बछड़ा है उसको हमने छोड़ा हुआ है, पहले उसको थोड़ा सा दूध पिलाएंगे तो फिर हम मशीन लगाएंगे इसको। थान वगैरह उसके धो रहे हैं, तो धो के फिर लगाते हैं वो मशीन जी। ये जी मशीन ऑन हो चुकी है, लगाया। ये इस मशीन में ना यहाँ पे ये ऑयल है, ऑयल चलता है और जो इस मशीन के अंदर चलता है फिर वापसी वहाँ से फिर इसी में आता है। ये वेस्टेज है इसकी ऑयल की, तो इसमें वेस्ट होके जल के जो ऑयल है वो इसमें आ जाता है। तो अब ये लगाने लगे जी मशीन। गई है, अब ये दूध आना शुरू हो गया। ये देखें, ये यहाँ से दूध आ रहा है इसमें और इधर से होता हुआ ये सीधा ये कंटेनर में जा रहा है। ये देखें, अब ये भैंस जो है ना बिल्कुल खड़ी है चुप करके, उसको बल्कि मज़ा आ रहा है कि ये मशीन लगी हुई है। ये देखें, ये अब इसमें ना दूध आना बंद हो गया, यानी कि भैंस का दूध सारा जो है ना वो इसमें आ गया। तो अब हम इसको उतारने लगे, चलो उतारो जी। ये इधर से मशीन बंद कर दी। ये जी अब हम दूसरी गाय की अब मिल्किंग करने लगे हैं। तो पहले इसके ये जो सारे जो थान है उसको साफ करेंगे पानी के साथ। ये जी अब हमने इसको लगाने लगे हैं। ये देखिए अब दूध चालू हो गया इसमें, ये पाइप में आ रहा है दूध। ये पाइप में आके इस इधर से होके ये इसमें कंटेनर में जा रहा है। ये देखिए ये इसका जो वैक्यूम है ना, ये वैक्यूम इसको खींचता है और ये पाइप एक लगा हुआ है जो उसके साथ निप्पल के साथ लगा हुआ है पाइप, वहाँ से वैक्यूम होके दूध जो है ना इसमें आ रहा है।
ये एक बड़ी आसान मशीन है, यानी कि ये अगर किसी बंदे को नहीं दूध निकालना नहीं आता तो इसलिए ये मशीन जो है ना, ये जो मशीन है ये तुर्की की मशीन है, यानी इंपोर्ट हुई है तुर्की से, तो बड़ी ज़बरदस्त इंपोर्टेड मशीन है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है ये, तो बड़े प्यार से ये यानी कि ये मिल्किंग करती है कि जानवर जो है ना वो हिलता भी नहीं है इसमें। ये जो मशीन है ये 5 से 7 मिनट लेती है एक गाय का ना, तो 8 से 9 लीटर एक गाय का मसलन दूध जो है ना वो 5-6 मिनट में यानी कि इसका वो मिल करके तो ये सारा कंटेनर में डाल देती है। तो इससे ना तो इसके गाय को कोई नुकसान होता है और गाय जो है वो इससे बल्कि इजी रहती है इससे। तो ये यानी कि बड़ी बड़ी अच्छी मशीन है ये वाली, तो हमने तो ये रखी हुई है इसलिए कि क्योंकि अगर कोई भी घर में ना हो तो कोई भी बंदा इसको लगा के इजीली मिल्किंग कर सकता है जी। ये अब इसका ना मेरे ख्याल में टोटल 4 से 5 मिनट लगे हैं, तो ये अब इसका दूध आना बंद हो गया। अब हम इस मशीन को उतारेंगे इस गाय से ना, चले भी उतारें इसको, ये देखें ये उतर गई है। अच्छा ये हमने ना ये एक मेडिसन है जो ये मशीन मिल्किंग के बाद हम इस पे लगाते हैं, इसके थनों को लगाते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह जो है ना वो असरअंदाज ना करे। तो ये लगा के तो ये जी देखें, अब ये देखें ये इसका ये जी कंटेनर है, ये हम दूध दिखाता हूँ, ये देखें ये दूध है जी इसका, ये तकरीबन इसका 5 से 6 लीटर दूध है। तो ये अब हमने एक गाय रह गई है उसके उसकी मिल्किंग कर रहे हैं हम। जी तो व्यूअर्स आपने देखा अभी हमने मिल्किंग की है अपने जानवरों की, तो ये बहुत इजी है, यानी कि घर में कोई भी ना हो हर एक को यानी कि इसकी इसको चलाने का तरीका आना चाहिए, तो ये बड़ी आसान है। और ये है कि ये जो मशीन है ये हमने इंपोर्ट करवाई थी तुर्की से, ये में इसकी कॉस्ट पड़ी है जी 90,000 में यहाँ पर छोड़ के गए थे। तो बड़ी इजीली ये यानी कि इससे आप मिल्किंग कर सकते हैं और अपने अपने जानवर भी ठीक रहेंगे, आपको इसके लिए कोई सेपरेट बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जी अगले ब्लॉग में फिर बात होती है। ये तो आज घर में था मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो एक बनाई जाए जिसमें लोगों को ये बताया जाए थोड़ा सा इसके मिल्किंग के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले ब्लॉग, थैंक यू, शुक्रिया।